जय हिंद पेश नमस्कार। सबसे बड़ी खबर, ओमान के नौसेना प्रमुख रक्षा खरीदार अतिरिक्त प्रशिक्षण स्लॉट्स के लिए भारत का दौरा किया। जी हां, एक यात्रा में जो पश्चिमी हिंद महासागर में भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने में सक्षम होगी। जी हां, ओमान की रॉयल नेवी CRNO रियर एडमिरल सैफुल रहबी 14 से 18 फरवरी तक भारत की यात्रा कर रही है, जो ओमान नौसेना के इक्विपमेंट्स की खरीदार अतिरिक्त सुरक्षित करने के लिए है, जिसके लिए ये ट्रेनिंग स्लॉट्स को अंजाम दिया जा रहा है। ध्यान रखें, यह सौदे 21 सितंबर को ओमान में तत्कालीन नौसेना प्रमुख की मेजबानी के बदले में भारतीय नौसेना प्रमुख के नियंत्रण पर किया जा रहा है, जिसके दौरान एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। ओमान नौसेना प्रमुख द्वारा भारत की अंतिम यात्रा दिसंबर 2017 में की गई थी और इस महीने के अंत में ओमान के रॉयल एयरफोर्स RAFO के प्रमुख भारत का दौरा करेंगे। सबसे बड़ी बात, CRNO RADM सैफुल रहबी की पहली यात्रा पर सभी सेवाओं के प्रमुख और विदेश सचिव के साथ अन्य लोगों के साथ बातचीत होगी। सूत्रों ने कहा है कि भारत से अधिक प्रशिक्षण सदस्यता नावल इक्विपमेंट्स खरीद को आकर्षित करने के लिए भी बातचीत निर्धारित है। साथ साथ उनके द्वारा मुंबई स्थित शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर फैसिलिटीज को दौरा किया जाएगा, जो कि भारतीय नौसेना के लिए शिप्स बनाता है। जी हां फ्रेंड्स, यदि ओमान की तरफ से भारत से नावल इक्विपमेंट्स को खरीदा जा रहा है, कुछ शिप्स हो सकता है या मिजाइल्स भी हो सकता है, जैसे कि फिलीपींस के तरह ब्रह्मोस मिजाइल, या हमारे भारत से सर्वलांस एयरक्राफ्ट जैसे डोनियर एयरक्राफ्ट को भी खरीद सकता है।